हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी की बहुत सारी जो रिक्वेस्ट थी तो उसको पूरा करने जा रही हूँ। सॉरी थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट हाँ कोई बात नहीं। विथ रेसिपीज़ मैंने आप सभी से कहा था पिछले वीडियो में कि मैं शेयर करूँगी, तो मैं वन डे डिटॉक्स करती हूँ। मैंने आपसे कहा था अपनी यानी डाइट में वन डे मैं डिटॉक्स ज़रूर करती हूँ कि जिससे क्या होता है कि हमारा वेट कोई स्टक हो गया है यानी रुक गया है, वेट कम नहीं हो रहा है, तो वन डे डिटॉक्स से क्या होता है कि हमारा वेट हिल जाता है यानी जल्दी लूज़ होता है अगर हम वन डे डिटॉक्स कर लेते हैं। सॉरी मैंने हाथ से मोबाइल पकड़ा है तो थोड़ा वीडियो हिल रही होंगी, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप सभी। तो आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरी वेट लॉस जर्नी वीडियो में, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए, तो आज आप भी देख लीजिए वन डे डिटॉक्स डाइट प्लान। 2 kg तो ज़रूर लूज़ होगा आप सभी का अगर वन डे आप डिटॉक्स करते हैं तो। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं क्या लेती हूँ अपने डाइट में, तो वो भी प्लान मैं इंशाल्लाह आप सभी से शेयर करूँगी ये वीडियो के नेक्स्ट डे। तो आप सभी बने रहें, और हाँ जो न्यू मेंबर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, डिटॉक्स डे में आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको चीट नहीं करना है। कुछ भी आप चीट नहीं करेंगे तो तभी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत इफ़ेक्टिव मिलेगा आपकी बॉडी के लिए। तो ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ चीट ना करें डिटॉक्स डे का पूरा, यानी जिस तरह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्लान, तो आप उस तरह से ही यानी डिटॉक्स डे यानी जो प्लान है उसको फॉलो करें वन डे। और इसके नेक्स्ट डे का भी आपको प्लान मिलने वाला है, और बैक टू बैक मैं आपको वेट लॉस से रिलेटेड रेसिपीज़ है, स्मूदी है, यानी जो जो भी है, और यह आपका जो भी यानी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो आप सभी से शेयर करूँगी। तो आप सभी बने रहे और वीडियो को फुल वॉच करें, इसलिए कह रही हूँ फुल वॉच करें क्योंकि आप 20 से स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, आप अगर 100% अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप फुल वीडियो वॉच करें और आप बने रहे बिल्कुल, और यानी ठान ले, हिम्मत कर ले कि नहीं अब मुझे अपना वेट लूज़ करना है। तो ये वीडियो सभी के लिए है जो भी मतलब वेट लूज़ करना चाहते हैं, और जो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ हो जाइए अब, और आप अपना वेट लूज़ करके ज़रूर बताएं सभी को। चैलेंज ले लीजिए एक। तो बस मैं यही कहूँगी आप सभी से कि आप सभी बने रहे। तो चलिए फिर अपना प्लान भी देख लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत बातें हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए अब मैं प्लान शेयर कर देती हूँ आप सभी से। और हाँ, अच्छा लगता है आप सभी को अगर मेरा प्लान अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और ज़्यादा ही मतलब आप सभी को ऐसा लग रहा है कि और यानी लोगों को ज़रूरत है तो आप शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं, यानी शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो से हो सकता है कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, तो आप डाइट प्लान देख लेते हैं, आप सब भी देख लीजिए। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम अपना डिटॉक्स ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक गिलास पानी ले ली हूँ और उसमें मैंने ऐड कर दी हूँ धनिया के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स 1 teaspoon, और 1 teaspoon मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, क्यूमिन सीड्स, और इन दोनों को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे बिल्कुल वाटर में। और ये ड्रिंक हमको सुबह लेना है 6 बजे, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रिंक है ये वाली, जैसे कि हमारे बॉडी में हमने अभी तक के जितना जंक खाए हैं और जितने भी यानी बैड टॉक्सिन्स है, जितने भी यानी बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है ये वाला ड्रिंक लेने से। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह सबसे पहले ये वाला डिटॉक्स ड्रिंक लें, या आप जब भी डिटॉक्स डे आप कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये वाला ड्रिंक ज़रूर लें। तो देखिए, धनिया के सीड्स भी जो है वाइट कलर हो गए, मतलब ग्रीन कलर सारा ही पानी में उतर गया इसका, देखिए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और देखिए, मैं लेमन स्क्यूज कर रही हूँ, यानी हाफ लेमन ले ली हूँ मैंने, इसका रस निकाल ले रही हूँ मैं जूस। और अगर आपको लेमन सूट नहीं होता है तो आप लेमन ना ले, आप सिर्फ ऐसा ही धनिया और जीरे का वाटर भी ले सकते हो, बट थोड़ा सा वार्म लीजिए। देखिए, 3 मिनट के बाद में भी हमारा ये जो वाटर है बिल्कुल एकदम वार्म है, तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ लेमन वाटर में। तो देखिए, हमारा मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक बनकर रेडी है।
और बिल्कुल हमको सुबह ही लेना है 6 बजे, और 2-2 घंटे का गैप बना के खाएं, और बिल्कुल टाइमिंग आप बिल्कुल बना के रखें कि 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ यानी लेना है। तो आप फुल वीडियो ज़रूर वॉच करें, देखते रहे आगे फिर हम क्या लेने वाले हैं। तो 2 घंटे के बाद अब हम आ गए हैं किचन में, तो हम बना रहे हैं पपाया चिया स्मूदी। तो देखिए उसके लिए मैंने ले ली हूँ चिया सीड्स 2 टीस्पून। इसको मैंने भिगा के रख दिया था पहले ही, क्योंकि ये फूलते हैं। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो आप सब्जा सीड्स भी ले सकते हैं, सब्जे के बीज। और 2 स्लाइस ऑफ पपाया मैंने ली हूँ कट करके। तो चलिए स्मूदी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मिक्सी के पॉट में मैंने पपाया ऐड कर दे रही हूँ मैं, और इसमें बिल्कुल 2 टीस्पून ऐड कर दूंगी मैं कर्ड। और हम इसको मिक्सी में अच्छी तरह से देखिए ग्राइंड करके फाइन से हमारी ये स्मूदी बनकर रेडी है। और ये चिया सीड्स, इसमें वाटर है तो हम वाटर ऐड नहीं करेंगे, जो स्मूदी हमारी बनी है पपाया की। बस हम इसमें डायरेक्ट यानी पल्प जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये ऑलरेडी पतली स्मूदी हो जाएंगी, मतलब पतली मतलब लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा ये स्मूदी। और इसमें हमको हनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम इसमें, ब्लैक पेपर पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ऑफ, क्योंकि ये डिटॉक्स हम स्मूदी ले रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस सिप सिप करके पी जाए। इस तरह से स्मूदी हमारी बनकर रेडी है। तो अब हम पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट पर। तो 2 घंटे के बाद अब हम लेने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर ओट्स। उसके लिए मैंने ले ली हूँ लो फैट मिल्क, उसमें मैंने 2 टीस्पून ओट्स ऐड कर दिया है, और देखिए 1/2 टीस्पून बिल्कुल इसमें हनी ऐड किया है, शुगर ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ ऐड कर लीजिए जागरी, नहीं तो आप इस तरह से यानी हनी ऐड कर लीजिए। और देखिए ओट्स हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है, बिल्कुल इजी एंड झटपट। और मैंने उसमें कुछ नट्स ऐड कर दिया है और चिया सीड्स ऐड कर दिया है ऊपर से। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है, डिटॉक्स ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप, विद ग्रीन टी लेंगे हम इसको। तो अब हम किचन में आ गए हैं डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए। तो ये 10 बजे ही मतलब मैं ये ड्रिंक बना के रख ले रही हूँ, और दिन भर हमको यानी सादा पानी नहीं लेना है, बस हम यही वाला ड्रिंक लेंगे। जब भी हमको प्यास लगे तो हम 1-1 कप या 1 गिलास आप कह लीजिए, क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा हम बना रहे हैं, तो आप यही पानी यानी पियेंगे दिन भर। और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये डिटॉक्स ड्रिंक, और डिटॉक्स डे आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये वाला ड्रिंक फॉलो करें यानी इसको पिए, और बहुत ही यानी इफ़ेक्टिव है ये ड्रिंक, और बहुत ही यानी अच्छा रिज़ल्ट देती है ये ड्रिंक हमारे जो डिटॉक्स डे पर, मतलब आप अगर पी रहे हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा डिटॉक्स ड्रिंक बनकर रेडी है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ढककर रख देते हैं बिल्कुल। तो आप भी इस तरह से डिटॉक्स ड्रिंक बनाएं। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद हम ले लेंगे यानी 12 बजे, देखिए ग्रीन टी ले लेंगे 1 कप, और एक ऑरेंज ली हूँ मैंने, 2 से 3 बादाम है, और ब्लैक किशमिश है 2, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये हमारे स्नैक्स रेडी। अब मैं आ गई हूँ स्नैक्स के। 2 घंटे के बाद लंच टाइम हो गया है, तो लंच लेने के लिए, क्योंकि डिटॉक्स डे है हमारा, तो हम इसमें सैलड लेंगे, एक वाइट सैलड। तो येलो पार्ट मैंने इसका निकाल दिया है, 1 योग, तो आप देख सकते हैं बॉईल करके रख लिया था मैंने 2 एग, और देखिए 1 कुकुम्बर, 1 टोमेटो, और 1 कैप्सिकम, हरा धनिया, अनियन 1, और 1/2 लेमन ऐड कर देंगे हम एक वाइट में, सारे ही अपने जो वेजिटेबल्स है
बहुत ही अच्छा बनता है ये सैलड, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दे रही हूँ मैं थोड़ा सा, इसमें मैंने ग्रीन चिली नहीं लिया है क्योंकि ग्रीन चिली नहीं लेना है हमको, लेना भी है तो हाफ़ ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये पिंक सॉल्ट यानी रॉक सॉल्ट भी कहते हैं इसको, तो यही वाला सॉल्ट लेंगे हम, वाइट सॉल्ट नहीं लेना है हमको, डिटॉक्स में बिल्कुल सॉल्ट नहीं लेना है हमको, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए हाफ लेमन मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। इस तरह से एक वाइट सैलड आप बना के खाएं डिटॉक्स में, बहुत ही यानी अच्छा सैलड है और बहुत अच्छा लगता है खाने में और इफ़ेक्टिव तो बहुत है यानी डिटॉक्स पर। जो जो मैं आपको बता रही हूँ सारी ही रेसिपीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी वर्क करती है। तो देखिए हमारा सैलड बन के रेडी है एक वाइट। अब मैं रेडी कर रही हूँ अपना इवनिंग स्नैक्स जो कि हम 4 से 5 बजे के बीच में लेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, घी ज़्यादा नहीं लेना है आपको, और ये देसी घी है, डालडा नहीं लेना है आपको भी। और मैंने इसमें करी लीव्स ऐड कर दिया है 5 से 6, और बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है ये भी। और देखिए मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ मखाने, मखाने रोस्ट करके लेंगे हम यहाँ पर। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है तो डिटॉक्स डे पर आप ये ज़रूर लें मखाने, इस तरह से रोस्ट करके खाएं। और कच्चे वाले ना खाएं क्योंकि वो थोड़े से चामट टाइप के रहते हैं तो आपको थोड़ा सा यानी खाने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आप ज़रूर यानी रोस्ट कर ले इसको, घी और इसमें हल्दी करी लीव्स वगैरह ऐड करके, बहुत ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये मखाने खाने में। ज़्यादा नहीं लेना है, बस हाफ कटोरी मखाने लेंगे हम और इसको रोस्ट कर लेंगे। और इसके साथ हमें 1 कप यानी ग्रीन टी लेंगे। ये हमारा इवनिंग स्नैक्स है। तो देखिए हमारे मखाने रोस्ट हो गए अच्छी तरह से। घंटे के बाद अब हम लेंगे अपना डिनर। तो डिनर में हम बना रहे हैं ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी। तो देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है पैन में 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो वाला ऑयल ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था। तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ ग्रीन चिल्ली, ज़ीरा और करी लीव्स और एक अनियन छोटा साइज़ का। और यहाँ पर हम वेजिटेबल को ओवर कुक यानी सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस क्रिस्पी ही रखना है हमको, वेजिटेबल को हाफ़ कुक करना है। मिला लेंगे अच्छी तरह से हम अनियन को, मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और कैबेज ऐड कर देंगे, कैप्सिकम ऐड कर देंगे। अगर आपको जो वेजिटेबल पसंद है तो आप वो ऐड करें, जो ना पसंद है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस क्रंची क्रंची ही हम वेजिटेबल को रखेंगे यानी पकाएंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। टोमेटो ऐड कर दे रही हूँ मैं इसमें हाफ। और जो डिनर है हमको बिल्कुल 7 बजे के पहले ही मतलब निपटाना है, डिनर अपना फिनिश कर लेना है, 7 बजे के बाद डिनर ना करें। और देखिए मैं इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, वो भी पिंच ऑफ, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम वेजिटेबल में। टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। डिनर के बाद में जैसे आपको अगर भूख लग रही है तो आप कुछ भी एक फ्रूट ले सकते हैं, पपाया या पाइनएप्पल। और देखिए मैं इसमें ओट्स ऐड कर दे रही हूँ 2 टीस्पून, क्योंकि वेजिटेबल हमने ज़्यादा लिए हैं तो यहाँ पर ओट्स हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि हमको सब चीज़ों की क्वांटिटी बना के खाना है, बहुत ओवर नहीं खाना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी नहीं लेना है हमको। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो ढककर रख देंगे हम 5 मिनट के लिए। तो देखिए हमारी ओट्स खिचड़ी बनकर रेडी है। ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी बहुत ही यम्मी बनी थी खाने में, तो आप ज़रूर ये वाली खिचड़ी ट्राई करें डिटॉक्स डे पर। आधे घंटे के बाद हम ले लेंगे नाइट ड्रिंक। और कैसा लगा आप सभी को हमारा ये प्लान ज़रूर बताएं, एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह।